प्रोकैरियोट को हम पढ़े थे और किंगडम प्रोकैरियोट के अंदर अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को देखा था और फिर उसके बाद हमने रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया को देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, पहले हम ग्रोथ को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम रिप्रोडक्शन को देखेंगे। ग्रोथ किसे कहते हैं? जनरली जब भी हम ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं तो ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ हम कहते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके सेल्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं इट इज ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर हम जानते हैं कि ए सेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ए सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जब ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में क्योंकि सेल्स ने इंक्रीज होना है तो न्यू सेल्स किस तरह से बनते हैं वो भी एसेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, और वो क्या है? वो कहलाता है बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी फिशन को हम देख लेते हैं। बाइनरी फिशन एक ऐसा तरीका है या ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया जो है वो एक से दो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बाइनरी फिशन। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इनको हम वन बाय वन देखते जाते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है बाइनरी फिशन का, उसमें ये होता है कि पेरेंट सेल जो है वो एनलार्ज होता है। पेरेंट सेल एनलार्जेस। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप में यह होता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या होगा? थर्ड स्टेप में यह होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती है। ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड एट सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, सेल के सेंटर की तरफ, दरमियान की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होने लगती है। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फोर्थ स्टेप में ये होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो कि डुप्लीकेट हो गए थे, डबल हो गए थे, अब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि दो नए जो रीजन्स बन जाएंगे उनमें आधे आधे होके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमने देख लिया फोर्थ स्टेप। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है उसमें क्या होता है? फिफ्थ स्टेप में ये होता है कि जो सेल वॉल है वो नई सेल वॉल ग्रो करती है। ठीक है, और नई किस तरह से ग्रो करती है कि वो इनवर्ड अंदर की तरफ ग्रो करती है और एक सेल से दो सेल सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। सेल वॉल ग्रोज इनवर्ड टू सेपरेट वन सेल इंटू टू, एक से अब दो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको एक फिगर से देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे ये सारे स्टेप्स। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो स्टेप था, यहाँ पे हमने कहा था कि बैक्टीरियल सेल जो है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने कहा था कि क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या था? सिंगल क्रोमोसोम था, यहाँ पे आके डबल हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती है। ठीक है, थर्ड स्टेप हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस इनवर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है। उसके बाद हमने कहा था कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आपने देखा कि न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम एक साइड पे और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे आ जाता है। और फिर क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ ग्रो करती है, यानी कि जो बाहर की लेयर थी सेल मेम्ब्रेन के, जो बाहर लेयर है वो क्या करती है कि वो अंदर की तरफ ग्रो करती है और न्यू सेप्टा बन जाती है। सेप्टा किसे कहते हैं? सेप्टा हम लेयर को कहते हैं। ठीक है, या पार्टीशन जब होती है तो उसके अंदर जो न्यू लेयर बनती है उसे हम कहते हैं सेप्टा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि सेल वॉल क्योंकि ग्रो हुई इनवर्ड और उसने क्या किया कि सेपरेट कर लिया, एक सेल था हमारे पास, अब उससे हमारे पास दो सेल्स बन गए। जो न्यू सेल बनता है इसे हम कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है, और एक जो पहले का सेल होता है इसे हम कहते हैं पेरेंट सेल। तो ये हमने देख लिया बाइनरी फिशन को। बाइनरी फिशन में बेसिकली क्या है, ये सीक्वेंस है और ये रिपीट होता जाता है डिफरेंट इंटरवल्स में, यानी कि वक्फे से ये पूरा प्रोसेस जारी रहता है। अब जैसे ये दो न्यू डॉटर सेल्स बन गए ना, थोड़ी देर में क्या होगा कि ये जो न्यू डॉटर सेल्स हैं ये भी दोबारा से एनलार्ज होने लगेंगे, यानी कि ग्रो करेंगे, और फिर एनलार्ज होने के बाद इनसे मज़ीद
इस एक सेल से मज़ीद दो डॉटर सेल्स और इस एक सेल से मज़ीद दो और डॉटर सेल्स बनते जाएंगे। इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर ये जो रिप्रोडक्शन का या जिसे हम कहते हैं ग्रोथ का या इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ सेल वाला जो प्रोसेस है वो इस तरह से कैरी आउट होता है। एक बार जब इसके अंदर डिवीजन का प्रोसेस हो जाता है फिर क्या होता है कि बैक्टीरिया ने ग्रो करना होता है, ठीक है। जब वो ग्रो करता है तो फिर अपने यूनिक फीचर्स के साथ वो ग्रो करता जाता है। नेक्स्ट डिवीजन का जो कंप्लीशन का टाइम होता है उसे हम कहते हैं जेनरेशन टाइम, जेनरेशन टाइम, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास न्यू सेल बन गया, अब इसके बाद दोबारा जब ये डिवाइड करेगा इसके दरमियान में ये जितना भी टाइम है इसे हम कहेंगे जेनरेशन टाइम। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है इसको हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। फोर मेजर फेजेस होते हैं हमारे पास, इसकी भी हम वन बाय वन देखते जाते हैं। फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, और हमने कहा कि फोर डिफरेंट फेजेस हैं और वो फोर फेजेस क्या हैं वन बाय वन हम उनको देखते जाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फेज है वो है लैग फेज। लैग फेज कैसा फेज है? ये वो फेज है या ये वो वक्त है बैक्टीरिया की ग्रोथ का जिसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही होती, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि नो ग्रोथ फेज है ये, यानी कि इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही और सेल जो है वो अपनी डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो सेल की डिवीजन हुई है ना, एक सेल से दो सेल्स बन गए, ठीक है। तो लैग फेज क्या है? ये वो वक्त है जब सेल जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, तो डिवीजन की प्रिपरेशन हो रही है इस टाइम में, ये हमने देख लिया लैग फेज। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज आता है उसे हम कहते हैं लॉग फेज। लॉग फेज क्या है? लॉग फेज वो वक्त है जिसमें सेल के अंदर रैपिड डिवीजन हो रही होती है, यानी कि सेल बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं रैपिड ग्रोथ हो रही है सेल के अंदर, या फिर जो इसके अंदर जो डिवीजन है सेल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो सेल्स की हो रही है वो एक्सपोनेंशियल रेट पे, यानी बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो रही है यहाँ पे, डिवीजन एट एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया लॉग फेज। इसके बाद जो थर्ड फेज आता है उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है? स्टेशनरी फेज वो वक्त है सेल की ग्रोथ का जिसके अंदर सेल के अंदर जो डेथ रेट है और रिप्रोडक्शन रेट है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? साकत, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि डेथ रेट इक्वल हो जाता है रिप्रोडक्शन रेट के, जितने नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं उतने ही पिछले जो है वो ख़त्म भी होते जा रहे हैं। तो ये हमने देख लिया स्टेशनरी फेज। इसके बाद जो लास्ट और चौथा हमारे पास जो फेज है वो क्या है? डेथ फेज, या जिसे हम डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। डिक्लाइन फेज में क्या होगा? जैसे कि नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है, इसमें ये होता है कि सेल जो है वो अल्टीमेटली डिक्लाइन या डेथ की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। सेल्स ख़त्म होने लगते हैं और इसके अंदर अगर हम देखें, जैसे कि हमने स्टेशनरी फेज में इसको डिफरेंट वेरिएबल से शो कर लिया कि डेथ रेट इज़ इक्वल टू रिप्रोडक्शन रेट, तो डिक्लाइन फेज में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो जाता है रिप्रोडक्शन रेट से। और इसमें होता क्या, बेसिकली बैक्टीरिया की डेथ हो रही होती है, बैक्टीरियल डेथ, ठीक है। इसको हम एक कर्व से शो करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है, ग्राफ के अंदर यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस में देखें तो टाइम है और वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ सेल्स शो हो रहे हैं जो कि लॉग के फॉर्म है, ठीक है। लॉग ऑफ 10 में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें हो ये रहा है कि टाइम के साथ साथ डिफरेंट फेजेज़ आपको नज़र आ रहे हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के। सबसे पहले हमने कहा था कि लैग फेज होता है और लैग फेज में क्या होता है, हमने कहा था कि इसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं हो रही, ठीक है। अब सेल डिवीज़न इतनी ज़्यादा नहीं हो रही तो क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो एक जितने हैं,
इनमें कोई खास इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास लैग फेज आ गया। लैग फेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है लॉग फेज। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, इनका जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ तक हमारे पास लॉग फेज आ जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टेशनरी फेज था, जिसके अंदर हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन रेट और डेथ रेट बराबर हो जाते हैं। यही वजह है कि बैक्टीरिया के जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है उनमें कोई खास फर्क नहीं आ रहा, हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। यहाँ तक हमारे पास स्टेशनरी फेज हो गया। स्टेशनरी फेज के बाद जो है वो डेथ फेज या डिक्लाइन फेज स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की क्योंकि डेथ होती जा रही है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ सेल्स भी देख रहे हैं कि वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिए फोर फेजेस बैक्टीरिया की ग्रोथ के। इसके अगर हम एक एग्जाम्पल को देखें, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, डिफरेंट हमने बैक्टीरिया की एग्जांपल्स को देखा है, और उसके अंदर जो सबसे फेमस किस्म की एग्जांपल है वो क्या है, इस चर्चिया को लाए, जिसको हम मोस्टली जितने भी हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं बैक्टीरिया के उनके अंदर हमने स्ट्रक्चर कोलाई को देखा है। इसके अलावा हमने बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की जब बात की थी उसमें भी हमने स्ट्रक्चर कोलाई का जिक्र किया था। इस स्ट्रक्चर कोलाई के अंदर होता है, इसे हम ई कोलाई भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अगर हम डिफरेंट ग्रोथ के फेजेस को देख लें और उसका टाइम और उसकी क्वान्टिटी मेयर करें या नंबर ऑफ सेल्स को मेयर करें, वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहला फेज़ जो है हमारे पास होता है लैग फेज़। अच्छा, इस एचओ कोलाई में लैग फेज की जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन हमारे पास 10 मिनट्स होती है। ठीक है, 10 मिनट्स। और इसमें अगर हम इसके नंबर ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि हमने कहा था कि ग्रो नहीं करेगा तो वो सेम रहेगा, 1 नंबर ऑफ बैक्टीरिया होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसके लॉग फेज के ऊपर। लॉग फेज में हमने कहा था कि सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी निस्बतन ज़्यादा होती है, इसे हम कहते हैं अंदाजन 180 मिनट्स तक ये फेज चलता जाता है, और इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करके तकरीबन 1000 तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है, स्टेशनरी फेज़ में ये होता है कि इसका जो टाइम है तकरीबन 180 से 360 मिनट्स है, और हमने इसमें कहा था कि इसमें ग्रोथ रेट और जो डेथ रेट है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हो जाएंगे, तकरीबन 3000 नंबर ऑफ़ सेल्स होंगे हमारे पास स्टेशनरी फेज़ के अंदर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डेथ या डिक्लाइन फेज़। ठीक है, डेथ या इसको हम डिक्लाइन भी मेंशन कर देते हैं। डेथ या डिक्लाइन फेज़ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये टाइम जो है वो अंदाजन 360 से लेके 1800 मिनट्स तक टाइम लग सकता है डिक्लाइन फेज़ में। और इसके अंदर नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें ये डेथ फेज़ है, इसमें बैक्टीरिया डाई करे हैं, तो इसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया का जो नंबर है वो कम हो के 3000 से कम हो के 300 तक पहुँच जाएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल देख ली स्ट्रक्चर कोलाई की, और यहीं पे हम अपने टॉपिक को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में रिप्रोडक्शन को और डिफरेंट प्रोसेसेस को देखेंगे रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस तरह से। और ये आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने ग्रोथ इन बैक्टीरिया की बात की कि बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ किस तरह से होती है। ग्रोथ को हमने डिफाइन किया कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स को हम ग्रोथ कहते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है। बाइनरी फिशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल से बैक्टीरिया डिवाइड होकर दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये डिवीजन किस तरह से होती है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है वो डबल होंगे, और उसके बाद क्या होगा कि सेल जो है वो अंदर की तरफ, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती है, न्यू सेल वॉल क्रिएट होती है, और उससे हमारे पास दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसके बाद फिर हमने बैक्टीरिया के ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस को देखा। हमने कहा कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के अंदर फोर डिफरेंट फेजेस होते हैं, एक होता है लैग फेज, फिर लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ या डिक्लाइन फेज। ये डिफरेंट फेजेस हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होता है इन फेजेस का, और इसके अंदर पूरा लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया को आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल, यानी कि बैक्टीरिया जब प्रोड्यूस होता है, एक न्यू सेल क्रिएट होता है, उससे उस वक्त से लेके एक सेल जब डाई करता है यानी कि ख़त्म होता है, उस वक्त तक बैक्टीरिया के कौन कौन से फेजेस हैं जिसके थ्रू वो गुजरता है। तो ये तो आज का टॉपिक।